माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आरपी जैन। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज है 23 तारीख फरवरी 2021 और देखिए, देखते देखते पता भी नहीं चला कैसे दूसरे महीने के आखिर में हम पहुंच गए हैं। 5 दिन रह गए हैं फरवरी ख़त्म होने में, देन इट विल बी मार्च। और मेरा बर्थडे है, माय बर्थडे इज कमिंग वेरी सून, बाय द नेक्स्ट वीक। भैया क्या उड़ गया इस बाइक का, कुछ तो उड़ा था अभी। सो आई एम ऑन टाइम टूडे। सेकेंड डे था मेरा आज मॉर्निंग वर्कआउट का, विच वेंट वेल, वेरी वेल। साक्षी बेचारी परेशान है, उसका अच्छे से वर्कआउट हो रहा है अब। कलर आज वो उसकी वॉच लगी, वॉच बॉडी पेन। देखो भैया, पहले हफ्ते तो यही होता है, पहला हफ्ता आपका सब कुछ खुलेगा बॉडी और फिर आपको होगा मसल पेन, जो कि लाजमी है, इतना तो होता ही है। सो एज यूजुअल राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। आज का दिन थोड़ा बिजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आज करने को। आप लोगों को पता ही है मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद चोट लगी थी भयंकर वाली, पर अभी तक प्रॉपरली इनर हीलिंग नहीं हुई है, जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि डॉक्टर के पास जाएं। भाई सोचो, अपने लिए सोच रहा था मैं काफ़ी टाइम से कि डॉक्टर के पास जाएं, बाकी सारे काम हो जाते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट काम है ना यही नहीं हो पाता। सो आज का अपॉइंटमेंट लिया है, शाम को जाएंगे डॉक्टर से मिलेंगे, पूछेंगे भैया जी कहाँ हो रहा है, फिर वो बताएंगे भैया जी ऐसे हो रहा है, आपने थोड़ी लापरवाही कर दी। खैर जो भी है बढ़िया ही होगा। सो आज का दिन थोड़ा सा बिजी है, आज स्कूल के बाद सीधे हमारे फिर 4 बजे एक मीटिंग है पादरी लोगों की, सो वो ख़त्म करेंगे फिर सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे। आज शाम का वर्कआउट मिस करना पड़ेगा, लेट नाइट होगा कि नहीं होगा, देखो बॉडी भी थक जाएगी। भाई सुबह 4:30 बजे उठ गया था मैं, घर जा कर के रेस्ट तो मिलेगा नहीं क्योंकि मैं पहुंचूंगा ही 2:30 बजे तक, फिर उसके बाद 4 बजे मीटिंग है अपनी, 1.5 घंटे में चेंज वेंज करेंगे, खाना वाना खाएँगे, नींद तो नहीं ले पाएंगे। जो भी है शाम का वर्कआउट देखते हैं आज होगा कि नहीं होगा। सो अब मैं थोड़ा सीरियस हो गया हूँ वर्कआउट लेकर के, जिस तरीके से मैं 2019 में था एकदम प्रॉपर रूटीन में, अभी 2021 में अपन कुछ धमाल करके दिखाएंगे बहुत ही जल्द। सो गाइस, बहुत ही जल्द जैसी अपनी बाइक आ जाती है अपन एक छोटी राइड को प्लान करेंगे बहुत ही जल्द। और आप लोगों को बता दूँ, अपन लद्दाख का भी हमारा सब कुछ सेटअप हो चुका है। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हो देन यू कैन गो टू दिल बाइकर्स पेज, आर फेसबुक पेज, आर इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब चैनल दिल बाइकर्स एडवेंचर क्लब, और वहाँ पर जाकर के आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो हमने आइटनरी बनाया है। अगर आपको वो चाहिए, आपको पैकेज जाना है, देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन, और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे साथ चलने के लिए। इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू लद्दाख, लेह लद्दाख, इट्स अ 10-डे ट्रिप, बाइक ट्रिप, जिसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ऑलमोस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ। आपके पास बाइक नहीं है, आप आ जाओ सिर्फ अपने कपड़े लत्ते लेकर के, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। सो बी एक्साइटेड, इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन अस डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन राइट नाउ, अभी कॉमेंट करके बताओ, ठीक है, मिस नहीं करना लद्दाख ट्रिप अपना, मेरे को तो जाना ही जाना है भाई। पता है इंडिया में वैसे बहुत सारी डेस्टिनेशन से कवर करने के लिए जाने के लिए, पर लोग लद्दाख के लिए एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इसमें ना हाईएस्ट पासेस आते हैं, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पासेस हैं, मोटरेबल रोड्स हैं, हाईएस्ट वर्ल्ड मोटर वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स। सो लोग इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर से भी आते हैं इनको कवर करने, इनको ट्रैवल करने के लिए। भाई मेरा तो एक ड्रीम है, आई वांट टू गो टू माउंट एवरेस्ट, मतलब जहाँ तक रोड जाती है वहाँ तक, क्लाइंब नहीं करना है मेरे को, बाइक से जाना है, अपने अपने बस की नहीं है क्लाइंब करना। मैंने देख लिया था कसौल में ही वाट लग गई थी भाई साहब, वो जरा सा पहाड़ चढ़ने में, इट रिक्वायर्स ढेर सारी स्टेमिना एंड मेहनत। रॉयल एनफील्ड का ही मैंने वो देखा था एक वीडियो, जिसमें पूरी टीम गई थी उनकी, दे वेंट टू चाइना, चाइना का बेस कैंप था, उसका नाम नहीं पता, कुछ अजीब सा ही नाम था, वहाँ तक गए थे और वही था उनके लिए माउंट एवरेस्ट। सो कुछ ऐसा ही है रूट, पर
अपना नेपाल से होते हुए फिर चाइना पर रोड बड़ी धासमती भाई साहब, चिकनी रोड एकदम खाली, ब्लैक रोड साइड में सब कुछ खाली, जैसे अपनी लद्दाख की रोड जाती हैं उसी टाइप की थी कुछ। तो देखने में मज़ा आ रहा था पर सर्वाइविंग जो कंडीशंस होती है, सर्वाइवल कंडीशंस, वो बहुत वो होती हैं, डिफ़िकल्ट होती है वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। देखते हैं, अभी तो अपने आप को प्रैक्टिस की ज़रूरत है हम लोग। मेरा ये ड्रीम है, आई वांट टू गो देयर माउंट एवरेस्ट, लेट्स सी। फिलहाल तो लेह लद्दाख कर लेते हैं। अपन स्पीति वैली कर चुके हैं, सच पास कर चुके हैं, मनाली तो आता ही रहता है बीच बीच में। नाउ लेह लद्दाख, देन उसके बाद अपना रहेगा नेपाल भूटान का, जो कि रहता है बहुत टाइम से नेपाल भूटान। उससे पहले आई विल बी गोइंग टू गोवा। देखो भाई, सारे राइड प्लान्स आपको मैं बता दिया, पता नहीं ये कब होंगे। आई वॉन्ट टू डू इट। तो बस पहुँचने ही वाला हूँ मैं अपनी गंतव्य स्थान पे, यस हिंदी में गंतव्य स्थान पे, फाइनल डेस्टिनेशन पे। सो मिलेंगे सीधे स्कूल के बाद, आफ्टर द स्कूल। ओके एवरीवन, बाय बाय। सो हे गाइस, आई एम बैक टू होम, और आज मेरा मन नहीं किया कि मैं वापस आते हुए व्लॉग करूँ बाइक पे, बस ऐसी थोड़ा सा बिना बोले आना चाह रहा था। एंड आज मेरी वाइफ का सेकेंड डे था जिम में, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, प्लीज शेयर। जानबूझ के रखा यहाँ कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, यहाँ और यहाँ। अरे मोरे मैया, एक बारी इसकी सीढ़ी उतरते हुए देखना। मेरी सीढ़ी उतरते हुए ये वाला हाथ उठाओ, लेफ्ट राइट हैंड उठाओ, नहीं एक बार मेरा हाथ छुए वाला से क्या लेफ्ट वाला सीधा क्यों नहीं उठ रहा है, ऐसे कैसे सीधा है। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस, तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों, मैंने क्या करा है? तुम नॉर्मल कराता हूं, सेकंड डे कमजोर दिलों वालों के लिए नहीं है। टांगे तो बदतमीजी मत करो। मैं मार भी नहीं सकती, तो दबा रहा हूँ मैं, तो तेरे दर्द नहीं हो रहा था, ला मैं दबा दूँ। अरे दबा, स्पॉट पे भी नहीं बैठा था। तो आज मैंने इसको वर्कआउट कराया था, कल भी करवाया था, कल फिर करवाऊंगा, रोज करवाना है अब तो, है ना भाई? मजा आ रहा है कि नहीं? यहाँ नहीं हो रहा था, यहाँ हो रहा है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा माइक में खचखच की आवाज़ आ रही हो, थोड़ा सा गड़बड़ी की आवाज़ आ रही हो, तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मेरी तार में कुछ प्रॉब्लम चल रही है माइक की, और इनकी तार भी तो अलग से नहीं आती है ना, तो इसका वो आता है सॉकेट जिसमें माइक अटकता है। पूरा माइक लो, पूरा 2000 का, ऐसा नहीं कर सकते हो ना, माइक एकदम सही है अपना, चला रही तब तक चल रहा है। सो अभी के प्लान में कुछ चेंज है, और चेंज ये है कि मैं अभी जिम जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास अभी नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस माय वर्कआउट, सीरियसली मैं कल जाऊंगा, पर जाऊंगा पक्का, कल तो जाऊंगा। और मैंने बाइक के लिए आज पता करा, तो बाइक के लिए कह रहे सर आप इतने दिन रुके तो थोड़ा सा और रुक जाओ भैया, 10-15 दिन की बात है बस। मैंने 10-15 दिन की बात है बस, ये क्या है, 10-15 दिन बस होते हैं? ऑलरेडी 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने होने वाले हैं। हेलो, 3 महीने, जनवरी नहीं, 2 महीने होने वाले हैं पूरे। और मैंने इन लोगों से कहा था भैया बर्थडे से पहले दे देना मेरे बर्थडे, मैं चाहता हूँ कम से कम 6 तारीख को तो मिल जाए मेरे को। पता नहीं क्या सीन है, जाने दिमाग खराब हुआ तो पता नहीं मैं कुछ कर दूँ, नहीं हाथ वाथ नहीं काटूँगा, बाइक कैंसिल ना कर दूँ। Now set to go to gym, ready to go to gym. Gym चलते हैं जल्दी से, आज का वर्कआउट है biceps and triceps. आज हम करेंगे biceps and triceps, उसके बाद बड़ा अच्छा पंप आता है मेरे को, मेरा फेवरेट वर्कआउट है जिनमें से एक ये है biceps and triceps, सबका ही होता है ऑलमोस्ट आई थिंक, पर मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट वर्कआउट है वो है legs. Yes, but due to this accident मैं legs अभी कर ही नहीं पा रहा हूँ ठीक से जिस तरीके से मैं करता था,
बट आई लव टू डू लेग्स। तो चलते हैं जिम, उसके बाद मिलते हैं आपसे सीधे। अच्छा तो तू तैयार है कल के लिए? हाँ, सुबह के जिम के लिए? हाँ। एक बार उठ के दिखा, बैठ के दिखा, हाथ उठाओ दोनों ऊपर, दोनों एक बार सामने आओ, ये वाला पैर ऊपर उठाओ, दूसरा वाला नीचे बैठो, थोड़ा सा बैठो। कैसा लग रहा है? चोट हो गई। मजा आ गया, पतली हो जाएगी बेटा तू, एक महीने में देखो तेरा फर्क। हाँ। सही बता रहा हूँ, एक महीने में फर्क आ जाएगा तेरे। कहाँ कहाँ वही हो रही है बताओ जरा सबको। राहुल, दिस व्लॉग शुड नॉट बी अबाउट मी, इट इज अबाउट यू ओनली। या बात करता, ठंड लग रही है। टुडे टुडेज व्लॉग इज डेडिकेटेड टू यू। व्हाई? बस कंटेंट नहीं आज कुछ ज्यादा, तू ही आज का कंटेंट। तूने बड़ा बोला था ना, लोग थैंक यू माय फैंस। हां थैंक यू, फिर वही लगा दूंगा। फैंस ऑफ आरपीजे। कहां से आते हैं ये लोग? यहीं से आते हैं ये लोग। कौन है ये लोग? अपनी माँ के पेट से आते हैं ये लोग। So hey guys, finally I'm on my bed and preparing myself to sleep. आज बहुत ही tired day था, सुबह 4:30 बजे उठे, उसके बाद school गए, sorry gym गए पहले तो, फिर school गए, school से वापस आए, आधे घंटे की nap ली, फिर उसके बाद अपने meeting में गए, फिर वापस घर आया, जाना था doctor के पास, वहाँ नहीं गए क्योंकि वहाँ कल जाएंगे। I didn't want to skip my gym वर्कआउट सेशंस, तो मैं फिर जिम गया 7 बजे के लिए, फिर वापस आया। अभी आई जस्ट हैड माय सैलेड डिनर विद सम ओट्स, और ऐसा ही चल रहा है। अभी गोल बना लिया है, कुछ करना है, बॉडी को रीशेप करना है जैसे था पहले मैं हुआ करता था नॉर्मल लाइफ रूटीन में। सो करेंगे इस चीज़ को भी कंटिन्यू, और अच्छा है, इट इज़ गुड कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और अपने आप को फिट रखें, फाइन रखें। 2020 में बहुत सारी चीज़ें हो गई, होने दो, चली गई 2021 में। दिस इज़ द ईयर ऑफ रिनोवेशन, रिनोवेट करो अपने आप को, दोबारा से बनाओ, रीस्टैब्लिश करो। अगर गिर गए तो उठो, खड़े हो, दौड़ो, भागो और फिर से उस पोजिशन को हासिल करो। सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट एंड आई होप दैट आई विल अचीव इट वेरी सून। खैर सून तो नहीं होता कुछ भी, बट हाँ अपने टाइम से सारी चीज़ें होती हैं, पॉसिबल होती हैं, तो आप भी करिए, हम भी करेंगे, सब मिल के कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। अगर आपने कुछ चीज़ अचीव करने की सोची है इस साल, देन डू इट, पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते रहो और करो। तो मिलते हैं इसी के साथ कल दोबारा से नए ब्लॉग में, नई बातों के साथ। आज के ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं, आपको दिख रहा होगा मुझे कितनी नींद आ रही है। सो सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड Do not forget to hit the like button and share and subscribe to the channel. Subscribe करो, मैं रोज़ इस बात को आपसे कहूँगा। I request you that you have to subscribe. If you have done it, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, then share this video. Share our channel. हमारा चैनल है ना पूरा। Share कर दो चैनल को। अपने Facebook पोस्ट कर दो, Instagram पोस्ट कर दो, do it, do it. हमें कुछ भी करके विद इन दिस थ्री मंथ, दीज थ्री मंथ्स वी हैव टू अचीव। योर लव वी कैन अचीव इट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड्स ग्रेस। सो सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। पार्टी करेंगे, गोवा चलते हैं घूमने। गोवा वाले बीच पे। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग।